Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter some basic concepts of chemistry. And today we will discuss question number 11. So here the question is, what is the concentration of sugar formula diya hua hai aapko, C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to टू लीटर्स क्या करना है बेटा आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर मतलब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है बेटा मोलारिटी ठीक है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कंडीशंस क्या है ट्वेंटी ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिजॉल्व इन इनफ वॉटर मतलब आपने कितना सॉल्यूट लिया बेटा कितना लिया शुगर ट्वेंटी ग्राम मास ऑफ शुगर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज सोल्यूट विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी ग्राम्स और इस 20 ग्राम को आपने ऐड किया है इतने पानी में कि जो फाइनल वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वो हो गया है टू लीटर तो मास ऑफ शुगर के साथ साथ और क्या दिया है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज दियाटर्स तो यहां लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू टू लीटर्स ठीक है पूछा क्या है मोलारिटी तो चलो फॉर्मूला लिखना है सिर्फ और वैल्यूज पुट करनी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मोलारिटी इज इक्वल्स टू ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये हमें किस में लेना होता है बेटा ये लेना होता है लीटर्स में अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे ठीक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने पड़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बेटा हमें पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास मास जो mass आपको दिया हुआ है डिवाइड बाय मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है तो मास और मोलर मास दोनों पता होने चाहिए मास कितना है बेटा 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना कैलकुलेट करो यहाँ पर मोलर मास आपको निकालना है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन इज इक्वल्स टू कार्बन का कितना होता है बेटा 12 तो ये हो जाएगा 12 इंटू ट्वेल्व प्लस

ठीक है तो ये कितना है बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल लिया जाएगा ट्वेंटी डिवाइड बाय थ्री फोर्टी टू मोल दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर ठीक है अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर वैल्यू पुट करनी है आप चाहें तो ये वाली वैल्यू को मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा पॉइंट्स में लेकिन ऐसे भी वैल्यू पुट कर देंगे तो एक ही बारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ठीक है तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टू ऊपर कितना बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज ट्वेंटी डिवाइड बाय थ्री फोर्टी टू सोल्व करो उसको 20 डिवाइड बाय थ्री फोर्टी टू बाय टू ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कैंसिल आउट कर लो टू टेन 20 तो ये कितना आया बेटा 10 डिवाइड बाय थ्री ये आगे फर्दर कैंसिल हो जाएगा आपको फाइनली यहां पर कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिलेगा बेटा वो आएगा 0.0292 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो मोल पर लीटर ये क्या निकाला बेटा आपने ये निकाल दिया मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा देखो अगर आपको फाइनल आंसर देना होगा तो हम यहां पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू 0.03 और अगर हमें इसकी यूनिट भी लिखनी है यहां पर तो इसको ब्रैकेट में लिख दो 0.03 कैपिटल एम ये कैपिटल एम का मतलब भी क्या है बेटा इसका मतलब भी है मोल पर लीटर ओके okay, समझ आ गया तो अब हमें क्या करना है इसको आंसर को हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर बंद दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है बेटा सिंपल क्वेश्चन था मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय